आप सभी ने कभी न कभी सी एस गो यानी कि काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव गेम के बारे में सुना ही होगा या फिर आपने इसे जरूर खेला होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि उन लोगों के लिए जिन्होंने इस गेम को नहीं खेला और वो इसे खेलना चाहते हैं, उनके लिए आज बता दूं कि इस गेम को खेलने के लिए आपको किन किन रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम निशांत ज्योति, आप देख रहे हैं निशांत भारत। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे सी एस गो गेम कब रिलीज हुआ था। सी एस गो गेम अगर हम वैसे अगर इसकी फर्स्ट वर्जन की बात करें काउंटर स्ट्राइक की, तो ये गेम रिलीज हुआ था लगभग 1998 में। मगर इसका जो काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव जो ऑनलाइन वर्जन है वो आया था 21 अगस्त 2012 को मार्केट में। इस गेम को डेवलप किया है वेलवे कॉर्पोरेशन ने और हिडन पैथ इंटरटेनमेंट ने। और अगर हम पब्लिशर की बात करें, इस गेम को किसने पब्लिश किया है, तो इस गेम को पब्लिश किया है वोल्वो कॉर्पोरेशन ने, जिसने इस गेम को डेवलप किया है उसी ने इस गेम को पब्लिश भी किया है। अब हम बात करने वाले हैं कि ये गेम क्या है। ये गेम एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है और ये एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है। इसमें आप कहीं से अपने फ्रेंड के साथ इस गेम को खेल सकते हैं। और इस गेम स्टोरी की बात करें तो इसमें आपको अलग इसमें आप कई सारे मैप दिए जाते हैं, जैसे कि आपको इसमें कैजुअल हो गया, कॉम्पी, अलग अलग मैप आपको दिए जाते हैं। इसमें आपकी रैंक के हिसाब से आपको प्लेयर दिए जाते हैं, यानी कि अगर आपकी रैंक कम है तो आपको आपकी बराबर रैंक वाले प्लेयर के साथ खिलाया जाएगा। ये एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है। अब हम बात करने वाले हैं इस गेम की आपको पीसी में चलाने के लिए किन किन रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी। अगर आप इस गेम को खेलना चाहते हैं नॉर्मल पीसी में, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा इंटेल कोर i3 प्रोसेसर, जिसमें कम से कम 2GB रैम होना चाहिए और इंटीग्रेटेड ग्राफिक। अगर आपके पास ये है तो इस गेम का आपको HD में खेल सकते हैं। मगर आप इसको फुल HD में खेलते हैं तो आप इसके लिए हायर स्पेसिफिकेशन चाहिए होंगे। मगर आप इन स्पेसिफिकेशन के साथ इस गेम को नॉर्मल पीसी में खेलते हैं तो आपको इसमें मिलेगी 20 से 30 FPS के बीच में। अगर हम बात करें आपके पास i5 प्रोसेसर है और 8GB रैम और 2GB का ग्राफिक कार्ड लाइक नॉर्मल हो, तो आपको इसमें कितने FPS मिल जाएंगे। अगर मेरी बात करूँ तो मुझे इस गेम में लगभग 40 से 50 FPS के बीच मिलते हैं। मैं काम में लेता हूँ GTX 720 का ग्राफिक और 2GB का ग्राफिक है और 8GB रैम और इंटेल कोर i5 6th जनरेशन CPU है। और इस गेम को खेलने के लिए आपकी पीसी में होनी चाहिए लगभग 8GB की हार्ड ड्राइव। और अगर हम बात करें और इस गेम को आप हाइयर पीसी में खेलना चाहते हैं, यानी कि आपको लगभग 100 से ऊपर FPS चाहिए, तो इसके लिए आपको किन स्पेसिफिकेशन की जरूरत होगी। इसके लिए आपको कम से कम i5 प्रोसेसर जो 6th जनरेशन हो, 8GB की रैम और आपको इंटर कोर 1050 GTX 1050 ग्राफिक होना चाहिए। अगर आपके पास ये स्पेसिफिकेशन है तो आप इस गेम में 100 FPS से ऊपर तक FPS ले सकते हैं। मैं बता दूँ इस गेम को खेलने के लिए आपको लगभग हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत होगी, यानी कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन 1 Mbps का होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ इस गेम को खेलने के लिए आपको कितनी पिंग की जरूरत होगी, इस गेम को खेलने के लिए आपको लगभग 100 समथिंग पिंग की जरूरत होगी। यानी कि पिंग एक वो है, यानी कि आपकी अपलोड और डाउनलोड की स्पीड अगर सम बराबर है तो आपको बेहतर पिंग मिलेगी। यानी कि आप ये पिंग डिपेंड करती है आपकी इंटरनेट स्पीड पर। अगर आपके पास 100 की लगभग पिंग आती है तो इस गेम को आप आसानी से खेल सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल चुका होगा काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव गेम को खेलने के लिए आपके पीसी में क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इस गेम को कब बनाया गया था, इसका डेवलपर और पब्लिशर कौन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।